नमस्कार, स्वागत है हमारी रेसिपी पे। आज हम बनाएंगे पेटीज, तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने दो पेटीज लेके आई हूँ बाज़ार से। है तो साफ़ सुथरी है, इतना गंदी नहीं है, पर फ्रेश है। पर अभी हम इसको पहले उबाल लेंगे। देखिए, मैंने एक बर्तन में पानी को चढ़ा दिया है और पानी हमारा उबलने वाला है। इसमें डालेंगे नमक और हल्दी एक चम्मच। इससे जो क्या होता है, जो हल्दी डाल के ये हम इस तरह जो उबालते हैं तो इसका स्मेल जो है बिल्कुल निकल जाता है। तो इस तरह हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अभी जो पेटी से मैं इसी में डाल देती हूँ। अभी हम अच्छे से इसको उबालेंगे, क्योंकि जब तक ये अच्छे से साफ नहीं होता तब तक इसको उबालेंगे। कम से कम 7-8 मिनट हम इसको उबाल लेंगे। ये देखिए, ये दो उबाल आ चुकी है। अभी ये मैं गैस को बंद कर देती हूँ, उसके बाद हम इसको छान लेंगे। देखिए, बिल्कुल साफ हो गई है और बिल्कुल अच्छे से ये जो स्मेल था उसका निकल गया है। अभी हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। मैंने अच्छे से इसको छान लिया है। अभी हम इसको अच्छे से साफ करेंगे और अच्छे से इसको वॉश करेंगे। क्योंकि जब हल्दी डाल के हम उबालते हैं तो जो स्मेल है इसका बिल्कुल निकल जाता है। तो हम अच्छे से अभी साफ कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको वॉश किया है ठंडे पानी से और ये इसका स्मेल जो है बिल्कुल चला गया है। ये देखिए, बिल्कुल साफ सुथरा जो ये हो गया है। अभी हम इसको काट लेते हैं। काटने के लिए देखिए, मैंने एक लिया है चॉपिंग बोर्ड। अभी हम इसी में ये काट लेंगे। छोटे छोटे पीस करके इसको हम काट लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह सारे में काट लेती हूँ। ये देखिए, सारा मैंने इस तरह काटा है, एकदम से साफ सुथरा है। फिर भी हम अभी काटने के बाद भी एक बार हम इसको वॉश कर लेते हैं। तो चलिए अभी बनाना शुरू कर लेते हैं। मैंने एक लिया है फ्राई पैन, इसमें डाल लेंगे हम सरसों का तेल। क्योंकि ये सरसों के तेल में बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अगर सरसों के तेल नहीं है तो आप रिफाइन में भी बना सकते हो, अगर हो तो आप सरसों के तेल में बनाए तो इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही बढ़िया सा आता है। तेल शायद हमारा गर्म होने वाला है। अभी हम इसमें डालेंगे, मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, 2-4 काली मिर्च लिया है। ये हम मर्दा मसाला इसी में डाल लेते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। देखिए, हमारा जीरा जो है हो गया है। अभी मैंने एक प्याज लेके लंबा लंबा काटा है, बारीक बारीक सा इस तरह काटा है। तो सारे ओनियन डाल लेते हैं। सॉरी, मेरा टाइगर जो है थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है आपको। अभी थोड़ा सा इसको ब्राउन होने तक भून लेते हैं। देखिए, प्याज हमारा इस तरह हो गया है, ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसमें जो पेटी से वो काट के रखा था वो डाल लेते हैं। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसको अच्छे से भूनना है। गैस को हम मीडियम में रखेंगे।
अभी हम इसमें नमक डाल देते हैं। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। अभी हम इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मैं चला रही हूँ इसको, इसमें पानी निकल रहा है, तो इसको अच्छे से चलाते रहना है। गैस चाहे अगर चलाते रहना है तो आपने गैस को तेज़ रखें, अगर बीच बीच में चलाना है तो आपके गैस को थोड़ा कम करें। ये देखिए 3-4 मिनट मैंने अच्छे से इसको भुना है और बिल्कुल तेल अलग हो गया है और बिल्कुल भून गया और बिल्कुल नाइस हो गया है। अभी हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। सचमुच इस तरह आप बना के देखें, सही में बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं अभी मसाला में ऐड कर रही हूँ। इसमें डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून। आपको जितना स्पाइसी खाना है आप वो हिसाब से डालें। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर, 2 टमाटर मैंने इस तरह चॉप करके रखा था और 3-4 हरी मिर्च, ये भी हम इसमें डाल लेते हैं। टमाटर डाल देंगे ऊपर से। अभी हम इसका मिक्स कर लेते हैं। देखिए चप चढ़ के आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये अच्छे से ये भून गया है ना, तभी ये आवाज़ ही आ रही है, सब चप चप चप। अभी हम इसको भी अच्छे से टमाटर गलने तक तो भून लेंगे। अगर आप चाहो तो गैस को आप कम करके आप 3-4 मिनट के लिए ढक भी सकते हैं, नहीं तो अगर ऐसे खुले में ऐसे पकाना है तो भी आपकी मर्जी है, तो पक जाता है, अगर ढक के पकाना है तो भी आपकी मर्जी है। मैं ऐसे भून लूँगी इसको, तो ढाकूंगी नहीं। ये देखिए बिल्कुल बन के, थोड़ा सा मेहनत लगता है ये, और रेडी होने वाला है बिल्कुल ही, और तेल अलग हो गया है और बिल्कुल भून गया है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगा क्योंकि ये अच्छे से साफ भी हो रहा है और कोई स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो बहुत ही नाइसली इसको ये बनाए। तो आप भी इस तरह ज़रूर बनाइए और मेरे रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोग को मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल लेते हैं। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाले, ना तो फिर ना डाले, पर ये डालेंगे तो इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आती है। थोड़ा सा हाथ से तो मसल के मैंने डाला है। अभी सारे को हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए रेडी हो गया है बिल्कुल ही, हमारा पक गया है। गैस को अभी मैं ऑफ कर देती हूँ। अभी ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे। इसको रोटी नान आप किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बना है। चलिए इसमें अभी गार्निश कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर से डाल लेते हैं हरा धनिया। अभी बस इसको सर्व कर लेंगे, नान के ऊपर रख के, रोटी के ऊपर रख के, या ऐसे खा लो आप। आप किस तरह खाना चाहते हैं उसी तरह आप खा सकते हैं। बिल्कुल बन के रेडी हो गया। देखिए आप भी इस तरह ज़रूर बनाएं।